back. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीम से मैं हूं निमरा कवल। रूस से जंग, कैनेडियन वजीर आजम समेत चार यूरोपीय रहनुमा यकजहती के लिए यूक्रेन पहुंच गए। कैनेडियन वजीर आजम का यूक्रेन के लिए 3.2 बिलियन डॉलर के सिक्योरिटी इमदाद पैकेज का वादा। ट्रूडो का जंग के बाद यूक्रेन का तीसरा दौरा है। कैनेडा गजा में इमदादी हवाई जहाज से गिराने के इम्कान की तहकीकात कर रहा है। कैनेडियन वजीर का कहना है कि लोगों को भूख से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। उर्दन में पिछले ड्रॉप्स पर यूके, नीदरलैंड, फ्रांस के साथ तआवुन किया है। दुनिया कैनेडा के फौजी अखराजात को देख रही है। अमरीकी सफीर का कहना है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे कैनेडा पर मुसल्लत किया गया है। अमरीका यूक्रेन के लिए जल्द इमदादी पैकेज मंजूर कर लेगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। Go fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने हफ्ते के रोज कीव में एक मुआहदे पर दस्तखत किए जिसमें कनाडा ने यूक्रेन के लिए 3.2 बिलियन डॉलर के सिक्योरिटी इमदादी पैकेज का वादा किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने हफ्ते के रोज कीव में एक मुआहदे पर दस्तखत किए जिसमें कनाडा ने यूक्रेन के लिए 3.02 बिलियन डॉलर के सिक्योरिटी इमदादी पैकेज का वादा किया, जो कि रूस के मुकम्मल पैमाने पर हमले की दूसरी बरसी के मौके पर एक संग मील है। उनके साथ अतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी, यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सुला वॉन डर लेयन और बेल्जियम के वजीर आजम अलेक्जेंडर डी क्रू भी शामिल थे। कनाडा, इटली और बेल्जियम के वज़राए आजम समेत चार मगरबी ममालिक के रहनुमा रूस से जंग के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर यूक्रेन से इजहार यकजहती के लिए कीव पहुँचे। IMF यूक्रेन को 88 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। इस सिलसिले में माहदे पर दस्तखत हो गए। ट्रूडो का दौरा जंग के बाद से मुल्क में इनका तीसरा दौरा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हुकूमत के लिए मगरबी हिमायत के तौर पर सामने आया है, जब अमरीकी कांग्रेस में अरबों डॉलर की फौजी और इक्तिसादी इमदाद रोकी जा रही है। ट्रूडो का कहना था कि यह हमारे लिए यूक्रेन का शुक्रिया अदा करने और अपनी यकजहती का मुजाहरा करने का लम्हा है। ट्रूडो ने G7 रहनुमाओं की वर्चुअल मीटिंग के बाद कनाडा के नामा निगारों को बताया। कनाडा के बैनुल अक्वामी तरक्की के वजीर अहमद हुसैन का कहना है कि कनाडा गजा में हवाई जहाज के जरिए इमदाद फराहम करने पर गौर कर रहा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के बैनुल अक्वामी तरक्की के वजीर अहमद हुसैन का कहना है कि कनाडा गजा में हवाई जहाज के जरिए इमदाद फराहम करने पर गौर कर रहा है। एक इंटरव्यू में हुसैन ने कहा कि नेदरलैंड्स और बरतानिया जैसे ममालिक ने पहले ही उर्दन की फिजाइया के साथ इसी तरह की कार्रवाइयों पर तआवुन किया है और कनाडा भी ऐसा करने के इम्कान और फिजिबिलिटी को देख रहा है। उन्होंने बताया कि ये वो चीज़ है जिस पर हम संजीदगी से गौर कर रहे हैं और करने की फिजिबिलिटी को देख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमें शुमाली गजा और उससे बाहर बड़े पैमाने पर लोगों को भूख से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। हुसैन ने हाल ही में गजा के साथ उर्दन और मिस्री सरहद का सफ़र किया
उन्होंने गजा के करीब जो कुछ देखा उसे वाकई संगीन सूरत हाल करार दिया। उनका कहना था कि लोग इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल में हैं और वो जिंदा रहने के लिए मायूस कुन चीज़ें कर रहे हैं। इंसानी हमदर्दी के ग्रुप गजा में मजीद इमदाद का मुतालबा कर रहे हैं ताकि वहाँ एक शदीद और बिगड़ते हुए बहरान में मदद मिल सके। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने हाल ही में शुमाली गजा के लिए इमदादी खेप को मुअत्तल कर दिया। शहरी निज़ाम के खात्मे की वजह से मुकम्मल अफरा तफरी और तशद्दुद का हवाला देते हुए और खत्ते में ग़िज़ाई किल्लत के खतरे के बारे में दोबारा खबरदार किया। हुसैन ने कहा कि मिस्र और उर्दन में काबिले ज़िक्र रकम की तरसील का इंतज़ार है, लेकिन सिर्फ एक महदूद रकम ज़मीनी सरहद के ज़रिए गजा भेजी जा सकती है। हुसैन ने कहा कि वफाकी हुकूमत उर्दनी हुकाम के साथ मुमकिन इमदादी हवाई ड्राफ्ट के बारे में फाल बातचीत में है। हमें मौजूदा सरहदी गुजरगाहों के जरिए इमदाद की मजीद मिकदारों को देखना होगा। दाखिले के इजाफी पॉइंट्स के लिए गुप्त शनीद और वकालत करनी होगी और फिर इमदाद की फराहमी के लिए एयर ड्रॉप समेत दीगर ऑप्शंस को देखना होगा। कनाडा में तैनात अमरीकी सफीर का कहना है कि दुनिया कनाडा के दिफाई अखराजात के वादों को करीब से देख रही है क्योंकि नेटो इतिहाद यूक्रेन को फौजी सामान की सप्लाई को रोकने के लिए लड़ रहा है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा में तैनात अमरीकी सफीर का कहना है कि दुनिया कनाडा के दिफाई अखराजात के वादों को करीब से देख रही है क्योंकि नेटो इतिहाद यूक्रेन को फौजी सामान की सप्लाई को रोकने के लिए लड़ रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान डेविड कोहन ने मुख्तलिफ महाजों पर कनाडा के इंतहाई अहम फौजी तावन, नए आलात की खरीदारी और यूक्रेन आर्कटिक नोराड और मजीद के इर्द गिर्द इसकी सरगर्मियों की तारीफ की, लेकिन जब फौजी अखराजात की बात आती है तो उन्होंने कुछ दबाव भी डाला। कजोहन का कहना था कि इसी निशानी से मैं बिल्कुल वाज़े था और अमेरिका भी बिल्कुल वाज़े था कि नेटो और दुनिया देख रहा है कि कनाडा अपनी वाबस्तगी के हवाले से क्या कर रहा है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमने कनाडा पर मुसल्लत किया है, लेकिन दुनिया देख रही है। कोहन ने नोट किया कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर ममालिक या तो पहले ही दिफा पर GDP का 2% खर्च करने के हदफ तक पहुँच चुके हैं या ऐसा करने के लिए उनके पास मजबूत मनसूबा है। मुझे नहीं लगता कि कनाडा को नेटो में इस किस्म का एक आउट लेटर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। 2023 नेटो रहनुमाओं की सरबराही इजलास में कनाडा ने 2% हदफ को पूरा करने के लिए इत्तेहादियों से अहद करने के लिए एक मुश्तरका ऐलामिये पर दस्तखत किए थे। अमेरिका, जिसने अब तक यूक्रेन को फौजी और इकतसादी मदद का एक बड़ा हिस्सा फराहम किया है, ने अभी तक इजाफी इमदाद की इजाज़त नहीं दी। कोहन ने इस एतमाद का इजहार किया कि अमरीका यूक्रेन के लिए $60 बिलियन का अमरीकी इमदादी पैकेज मंजूर कर सकेगा। ये एक कानून साजी तजवीज़ है जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान जारी मुज़ाकरात की वजह से ताख़ीर का शिकार हुई है। पैकेज पास होने वाला है। फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निमरा कवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।